पिछले वीडियो में जो है हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क एट द एज, वो हम बताए थे कि आया था सिग्मा आर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, उसका हम प्रूफ नहीं किए थे। ठीक है, यहाँ पर एक डिस्क है और सर्कुलर डिस्क है, चार्जेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पर। ठीक है ना, चार्जेज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा एरिया में और उसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है आर। सवाल है कि हमको इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर पोटेंशियल कितना होगा एज पे, हमको निकालना है। ठीक है, तो पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल आया था वो आया था कितना, सिग्मा आर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। तो थोड़ा सा सवाल टफ है और वही बच्चे देखे जो जेई एडवांस और ओलंपियाड लेवल का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में बिल्कुल पूछने वाला नहीं है। तो देखें, सबसे पहले अगर हम उसका सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो डिस्क बना लेते हैं, इसे ऐसे डिस्क बना लिए। ठीक है, और हम जो है इस पे पी पॉइंट पे जो है पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो हम करेंगे क्या कि सबसे पहले इसे एक्स डिस्टेंस दूर जाके, उसी तरह इधर भी एक्स डिस्टेंस दूर आएंगे ऐसे, और एक आर्क कट करेंगे ऐसे, आर्क। ठीक है, थीटा एंगल पे झुका हुआ है, एक आर्क कट करेंगे। ठीक है ना, और एक कट करने से काम नहीं बनता, तो एक और आर्क जो है डी थीटा एंगल पे जाके डी एक्स थिकनेस का एक और आर्क कट करेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे कट कर लेंगे। ठीक है ना, देखो ऐसे, और इस dx थिकनेस आर्क के कारण, इस आर्क के कारण इसका थिकनेस दिया हुआ है dx। ये जो थिकनेस है हमारा कितना है, dx है, इसका थिकनेस जो है कितना है dx, ये वाला थिकनेस है dx। ठीक है ना, ये वाला, और इस dx थिकनेस के आर्क के कारण p पॉइंट पे पोटेंशियल जो है लिखना जानते हैं। बताए थे पोटेंशियल जो है आर्क के कारण कितना होता है, KQ/R। आर्क रहे, सर्कुलर डिस्क रहे, सर्कुलर रिंग रहे, सेंटर पे कहीं पर भी, आर्क के कारण जो है हम बताए थे कि आर्क के कारण अगर चार्ज क्यू हो तो इस पर्टिकुलर पॉइंट सी पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है KQ/R। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि इस आर्क के कारण एक्स डिस्टेंस दूर पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। तो बहुत आसान होगा, कितना छोटा सा पोटेंशियल होगा, बीपी इक्वल टू के इंटू इसका छोटा सा चार्ज डी क्यू अपॉन आर। वॉट इज आर, आर इज एक्स। अब बात है कि डी क्यू कितना होगा, चार्ज कितना होगा। तो चार्ज लिखना कोई बड़ा बात नहीं है, मान लो इसका लेंथ जो है इस आर्क का वो जो है वो कितना है, लेट्स एल है ये आर्क का लेंथ। तो आर्क का लेंथ होगा कितना, तो याद करो एल इज इक्वल टू होता है आर इंटू थीटा। ठीक है, आर इंटू थीटा आर्क लेंथ होता है, लेकिन यहाँ पे L तो L ठीक है, लेकिन R इसका रेडियस कितना है, इस R का रेडियस है X, रेडियस हो गया X इंटू एंगल, सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है। अगर मान लो कि इसका लेंथ L है और इसका रेडियस R है, एंगल सेंटर पे थीटा बन रहा है, तो पता है ना कि L इक्वल टू होता है R इंटू थीटा। तो उसी तरह इसका लेंथ L है और रेडियस कितना है, रेडियस X है, और थिकनेस यहाँ पे एंगल कितना है, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा होगा इंटू थीटा, तो एंगल है 2 थीटा। एंगल कितना है हमारा, 2 थीटा है, 2 थीटा एंगल, तो x इंटू 2 थीटा, l इक्वल टू हो गया x इंटू 2 थीटा। क्लियर हुआ ना, ये हो गया हमारा l का वैल्यू। अब अगर हमको चार्ज लिखना है, चार्ज, तो चार्ज लिखने के लिए हम क्या करेंगे, छोटा सा चार्ज लिखना है, तो चार्ज होगा कितना, चार्ज होगा डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। अब उसका एरिया निकालना है, ये वाला आर्क जो दिख रहा है ना,
इसका एरिया कितना होगा इस आर्क का, इसका थिकनेस है dx, लेंथ है l, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ है l, ब्रेथ है dx, तो dq इज इक्वल टू होगा सिग्मा इनटू लेंथ l इनटू थिकनेस कितना होगा ऑफ कोर्स l इनटू dx। तो dq इक्वल टू हो जाएगा, व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा तो सिग्मा ही है l, l कितना है, l है x इनटू 2 थीटा, x इनटू 2 थीटा इनटू dx, व्हाट इज dx, dx इज l, dx इज व्हाट, dx, dx इज कितना हो गया, dx इक्वल टू l इनटू dx, और l इनटू कितना है, l इक्वल टू कितना है सिग्मा इनटू l इक्वल टू x इनटू 2 थीटा, 2 थीटा नहीं लिखे, l के जगह पे x इनटू 2 थीटा, x इनटू 2 थीटा, ठीक है, इनटू इनटू dx, व्हाट इज dx, dx लिखना जरूरी पड़ेगा। तो dx लिखने के लिए एक हमको जो है उपाय है, क्या उपाय है समझो, उपाय है हमारा कि यहाँ पे हमको पता है कि सर्कल के डायमीटर जो होता है, डायमीटर का लेंथ कितना होगा 2r, ये हमेशा सर्कमफेरेंस पे राइट एंगल सबटेंड करता है एंड पॉइंट, डायमीटर के एंड पॉइंट, तो डायमीटर के एंड पॉइंट हमेशा कितना सबटेंड करता है 90 डिग्री। अब ये हमारा x है, अभी 2r है, तो बताओ कि ये एंगल है थीटा, तो अगर हम यहाँ पर cos थीटा चले तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है x, अपॉन हाइपोटेनस कितना है 2r, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2r का cos थीटा, याद रखना काम आने वाला है ये, x इक्वल टू 2r का cos थीटा। तो हमको dx चाहिए ना, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, तो dx इक्वल टू हो जाएगा 2r cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, माइनस पहले लग जाएगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये होता है dx इक्वल टू इतना आ गया। तो डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा कितना, सिग्मा x 2 थीटा इंटू dx के जगह पे हो जाएगा 2r, नहीं माइनस 2r साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो बताओ कि डी क्यू इक्वल टू हो गया कितना, 2 जा 4, 4 सिग्मा r x इंटू थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा इंटू माइनस साइन, ये डी क्यू आ गया। अब डी क्यू आ ही गया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे तुरंत, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है डी बी पी इक्वल टू, डी बी पी इक्वल टू क्या है, के डी क्यू आई एक्स, तो के की जगह पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू, डी क्यू इज माइनस 4 सिग्मा आर एक्स इंटू थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई कितना, बाई एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया और 4 से 4 कैंसिल हो गया, और कोई कटने वाला है नहीं, तो डी बी पी इक्वल टू हो गया माइनस सिग्मा आर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कितना डी थीटा। ये हो गया छोटा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का छोटा सा एक्सपांड फॉर्मेट, छोटा सा फॉर्मेट। अगर हमको पूरा पोटेंशियल पी पॉइंट पे निकालना है तो वैसे ही सबसे पहला जो है कट ऐसे लगाएंगे, पहला कट कैसे लगाएंगे, पहला कट जो है यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, फिर यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, फिर यहाँ पे ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पे आर कट करेंगे, कट करते 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 ऐसे जाते रहेंगे और लास्ट कट जो है और यहाँ तक लगाएंगे, तो सारा कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हमको नेट पोटेंशियल चाहिए तो सारे आर्क के कर हमको सारा पोटेंशियल क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, डीबी 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 सब क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो नेट पोटेंशियल इसको जोड़ने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस सिग्मा इंटू आर अपॉन कितना पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कितना डी थीटा। अब यहाँ पे बताओ कि नेट पोटेंशियल इक्वल टू क्या क्या कॉन्स्टेंट है, माइनस सिग्मा आर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन थीटा टू साइन थीटा इंटू कितना डी थीटा। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर लिमिट कहाँ से कहाँ यूज करेंगे, देखो पहला कट जो है वो x इक्वल टू जीरो पे लगाएंगे और लास्ट वाला कट कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पर, यहाँ पे x इक्वल टू r पे कट लगाएंगे। तो
पहला कट x इक्वल टू जीरो पर लगाएंगे तो बताओ कि x इक्वल टू क्या है, 2r cos थीटा। देखो यहाँ पे निकाल के रखे हैं x इक्वल टू 2r cos थीटा, तो जब x इक्वल टू जीरो होगा तो 2r cos थीटा होगा, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा, थीटा इक्वल टू आएगा जीरो, नहीं थीटा इक्वल टू आएगा पाई बाई टू, 90। थीटा 2r नीचे से डिवाइड होगा तो cos थीटा इक्वल टू जीरो आएगा, मैंने थीटा इक्वल टू पाई बाई टू आएगा। लेकिन x इक्वल टू r रखेंगे यहाँ पे, x इक्वल टू r तो होगा 2r इंटू cos थीटा, 2r इंटू cos थीटा, ठीक है ना, 2r इंटू cos थीटा, r से r कैंसिल, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1 बाई 2। सॉरी x इक्वल टू 2r रखेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू r लिख दिए हैं 2r, सॉरी यहाँ से 0 से लेकर कितना तक, 2r तक कटेंगे, 2r तक कट करेंगे तब ना यहाँ 2r आएगा, यहाँ 2r है ना टोटल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक r ना है, यहाँ से यहाँ तक 2r है तो 2r रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 आएगा, सॉरी। तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 0 डिग्री, मैंने हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा पाई बाई 2 से 0 डिग्री, अगर एंगल वाइज अगर देखना हो, अगर लेंथ वाइज देखना है तो x इक्वल टू 0 से 2r, तो अगर एंगल वाइज यहाँ पे है ना थीटा साइन थीटा है ना, तो यहाँ पे पाई बाई 2 से कहाँ तक करेंगे, 0 तक करेंगे। अब हम इंटीग्रेशन में पढ़े होंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स रहे और ए से बी रहे माइनस में, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो बी से ए और प्लस कर सकते हो एफ एक्स इंटू डी एक्स, बस लिमिट चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर भी वही काम करने वाले हैं, लिमिट को क्या करने वाले हैं, चेंज। तो नेट पोटेंशियल आ जाएगा मेरे पास कितना, प्लस में कर दो सिग्मा आर अपन पाई एप्सिलॉन नॉट, बस इंटीग्रेट कर दो थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके पाई बाई टू तक, नेट पोटेंशियल आ गया। अब इसको जो है सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन याद कर, सॉल्व करने के लिए इसका इंटीग्रेशन हमको पता रहना चाहिए। चलो जिसको नहीं भी पता है उसको हम बता देते हैं, आंसर 1 आएगा उसका इंटीग्रेशन, 0 से पाई बाई 2 तो करेंगे। तो कैसे हमको इंटीग्रेशन करना है, यू इंटू वी इंटू डी एक्स का, तो याद रखना पहले यू को बाहर निकालते हैं, इंटीग्रेट करते हैं अंदर वाला का माइनस, बाहर वाला को फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं इंटू, फिर से इंटीग्रेट करते हैं अंदर वाला को, पूरा का फिर इंटीग्रेशन करते हैं। ये होता है हमारा यू इंटू वी का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। अब उसी तरह थीटा इंटू साइन थीटा का जो अगर इंटीग्रेशन निकालेंगे तो आई लेट रूल के हिसाब से, ठीक है ना, आई लेट रूल के हिसाब से थीटा जो है यू होगा और साइन थीटा क्या होगा, वी होगा। तो होगा क्या कि नेट पोटेंशियल, छोड़ो इसको पहले इंटीग्रेट कर ही लेते हैं, आई इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू थीटा टू साइन थीटा, इसको आई मान लिए फिर यहाँ पे रख देंगे उतना की जगह पे, तो इंटू डी थीटा। तो पहले थीटा को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे कहाँ, साइन थीटा को, जीरो से पाई बाई टू माइनस माइनस। एक काम करते हैं पहले लिमिट लगा लें, छोड़ो पहले ऐसे ही सॉल्व करते हैं इसका आंसर, ऐसे ही जीरो से साइन थीटा कर दिए इंटू डी थीटा माइनस, फिर जो बाहर निकाले उसको डिफ्रेंशिएट करो इंटू, फिर अंदर वाला को इंटीग्रेट करो, ठीक है, फिर से इंटीग्रेट करो डी थीटा के रिस्पेक्ट में। ये होता है तो थीटा इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस डी थीटा कैंसिल, बच गया साइन थीटा का फिर से होगा माइनस कॉस थीटा इंटू डी थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा, प्लस कितना, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन किए हैं तब, लिमिट नहीं है तब। अगर मान लो कि अगर हमको ये चाहिए जीरो से पाई बाई टू थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, तो इसका आंसर आया कितना, माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस सी, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके पाई बाई टू तक, अपर लिमिट डालो, अपर लिमिट डालेंगे तो होगा माइनस पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू और प्लस साइन पाई बाई टू और प्लस सी, फिर लोअर लोअर लिमिट डालो, जीरो डालेंगे तो माइनस जीरो इंटू कॉस जीरो प्लस साइन जीरो प्लस सी, देखो माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, अभी तो पूरा टर्म जीरो है, अभी जी कॉस जीरो का वैल्यू भले है लेकिन जीरो से मल्टीप्लाई होकर फिर जीरो होगा, ये तो टर्म ऐसे हो गया, कॉस नब्बे का वैल्यू जीरो साइन नब्बे का वैल्यू वन, तो सिर्फ बचा वन, तो पूरा का आंसर आया कितना, वन आया, ठीक है। तो बताओ कि यहाँ पे पोटेंशियल आ गया मेरे पास, नेट पोटेंशियल कितना आ गया, नेट पोटेंशियल आ गया मेरे पास सिग्मा आर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वन, और नेट पोटेंशियल आ गया मेरे पास एजेस पे सिग्मा आर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी फोर कैसे लिखा जा रहा है,
पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा सवाल जो है टफ था, लेकिन कोई बात नहीं, सीख लिए हमने, ठीक है। क्लियर हुआ? सिग्मा आर अपन कितना है? पाई एप्सिलॉन नॉट है। एज एज पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, सिग्मा आर अपन कितना? पाई एप्सिलॉन नॉट। तो थोड़ा बढ़िया सवाल था, ठीक है ना। चलो अब थोड़ा सा एक सवाल करते हैं इसी पे। देखो सवाल हमारा ये है कि छोटा सवाल है, तुरंत निपटाना है इसको। ये हमारा डिस्क है, ये हमारा क्या है? डिस्क। यहाँ पर पी पॉइंट है और यहाँ पे सी पॉइंट है। सी पॉइंट पे पोटेंशियल बी सी दिया है और पी पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वी पी दिया है, और इसका रेडियस आर दिया हुआ है, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी हुई है। कितना दिया हुआ है? सिग्मा, सिग्मा, ठीक है ना। सवाल है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सवाल है, ये डिस्क है हमारा, ठीक है ना, सर्कुलर डिस्क। सवाल है फाइंड फाइंड वी पी अपॉन बी सी, ठीक है, ये सवाल है, बस छोटा सवाल है। तो बढ़िया सवाल था, बताओ पी पॉइंट पे पोटेंशियल जो है अभी तुरंत निकाले। पी पॉइंट पे पोटेंशियल सिग्मा आर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, और सी पॉइंट पे पोटेंशियल जो है पी पॉइंट पे निकाल दीजिए सिग्मा आर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एज है ये एज, और सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है। तो सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है तो क्या करेंगे? सेंटर पे निकालने के लिए बताओ कि पोटेंशियल जो है एक्सिस पे कितना होता है? अंडर रूट। पोटेंशियल का फॉर्मूला था कितना? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स। अब एक्स जीरो डालेंगे, जैसे ही एक्स जीरो डालेंगे इसके अंदर यहाँ पर और यहाँ पर, तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल आ जाएगा सेंटर पे कितना? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना? आर स्क्वायर का आर, सिग्मा आर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आएगा कितना? सेंटर पे आ गया, सेंटर पे आ गया। सेंटर पे निकालना पोटेंशियल हम सिखा दिए हैं, ऊपर जाके देख भी सकते हो। तो सेंटर पे है कितना? सिग्मा आर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और पी पॉइंट पे पोटेंशियल है सिग्मा आर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ यहाँ पे कि वी पी अपॉन वी सी पूछ रहा है, इन्हें पूछ रहा था वी पी अपॉन वी सी, तो हो जाएगा सिग्मा आर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई एप्सिलॉन नॉट बाई टू सिग्मा आर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। बताओ यहाँ से कि एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, सिग्मा आर से सिग्मा आर कैंसिल, टू चल जाएगा ऊपर, पी पॉइंट बाई सी पॉइंट पे पोटेंशियल का रेशियो जो है वो आ गया टू बाई पाई, टू रेशियो पाई जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो तो इस तरह के सवाल जो है जेईई मेंस में पूछ लेते हैं। चलो ऑल द बेस्ट।